आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कहा जा रहा है कि रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। अगर ऐसा है तो हम सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, और वैसे भी बहुत देश इस पर बात कर रहे हैं। कई देशों की फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है, कोई सेकेंड स्टेज पर है। तो लगभग संभव भी है कि आपका नवंबर दिसंबर तक आ जाएगी वैक्सीन। वैसे भी इसकी अभी कहा जा रहा है कि रूस ने मतलब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, और उसका उनकी बेटी जो है उन पर टीका लगाया गया है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सी वैक्सीन है और कहाँ है रूस। रूस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी जान लेंगे। कोरोना वायरस वैक्सीन, इसका नाम है स्पूतनिक 5। इस वैक्सीन को आप याद रखिए पहले तो, स्पूतनिक 5। हाल ही में रूस ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस की ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली जो कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। तो एक बात तो आपके मन में आता है कि रूस आखिर है कहाँ। तो ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप लोग ऊपर देखेंगे तो ये हमारा रूस। याद रखिए एशिया का ही हिस्सा है, और इसका कुछ भाग आपका यूरोप में भी पड़ता है, यानी कि ये ऐसा देश है जो यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है, ठीक है। और इसकी एक कुछ पॉइंट याद रखिए कि यह मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, रूस पहले नंबर पर है, और यहाँ की राजधानी मॉस्को है, और जो भाषा है रूसी बोली जाती है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। COVID-19 की रूसी वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें तो रूस ने इस वैक्सीन का नाम स्पूतनिक 5 रखा है। क्या रखा है? स्पूतनिक 5। स्पूतनिक दुनिया की पहली सैटेलाइट का नाम था जिसे सोवियत संघ ने 1957 में लॉन्च किया गया था, यानी कि इन्होंने अपनी जो सैटेलाइट पहली छोड़ी थी उसी के नाम पर इसका भी नाम रख दिया। और एक पॉइंट है यहाँ और याद रखिए, सोवियत संघ पहले हम लोग रूस को कहते थे, फिर आपने देखा कि 1991 में विघटन हो गया सोवियत संघ का, सीधे युद्ध खत्म होने के बाद तो रूस अलग हो गया, ठीक है। रूस ने दावा किया कि इस टीके से COVID-19 महामारी के खिलाफ स्थायी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा सकती है। इस रूसी वैक्सीन को रूस के गामा लिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? गामा लिया इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित की गई है। रूसी कोरोना वैक्सीन परियोजना के लिए फंड उपलब्ध कराने वाली संस्था ने कहा है कि इस वैक्सीन का उत्पादन भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, तुर्की, क्यूबा में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल सऊदी अरब, UAE, ब्राजील, भारत और फिलीपींस सहित कई देशों में किए जाने की योजना है। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रूस हमारा अच्छा एक दोस्त भी रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि जब से हम अमेरिका की तरफ झुका हो रहा है, तब से भली कह सकते हैं आप लोग कि हमारी थोड़ी खटास आती है मित्रता में, वरना आप समझ सकते हैं कि जब अमेरिका पाकिस्तान और चीन का साथ देता था उस समय रूस हमारे साथ खड़ा रहता था। रूस का कहना है कि वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन सितंबर 2020 में शुरू होने की उम्मीद भी है। भविष्य की योजनाओं में 2020 के अंत तक इस वैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसमें से 3 करोड़ वैक्सीन केवल रूसी लोगों के लिए होंगी, बाकी दूसरे देशों को निर्यात की जाएंगी, ठीक है। रूसी वैक्सीन से जुड़ी विशेषज्ञों की अगर चिंताओं की कुछ बात करें, इससे आपने देखा है कि कुछ विशेषज्ञ हैं वो इस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहे हैं। तो उनके क्या मानना है, कुछ देशों ने रूस द्वारा विकसित वैक्सीन को लेकर संदेह जताया है। उनका कहना है कि रूस ने वैक्सीन के निर्माण में आवश्यक पारदर्शिता नहीं बरती है और ना ही इससे संबंधित डाटा उपलब्ध कराया है। जैसे जर्मनी व अमेरिका ने रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर संदेह भी जताया है। कहा जा रहा है कि वैसे एक वैक्सीन को बनने में आप सोचिए कि 2 से 3 साल तक लग जाते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं आप लोग कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इससे प्रभावित ना रहा हो। तो हो सकता है इसे जल्दी मतलब कम से कम आपके 18 से 20 महीने तो आराम से लग जाएंगे। तो कहने का मतलब हो सकता है नवंबर दिसंबर, फिर हो सकता है आपका कि जनवरी तक 2021 में आ जाएगी, इतना क्लियर है, ठीक है। अगर ये सही है तो कोई बात ही नहीं, अगले महीने अक्टूबर तक आपके देश में भी निर्यात होने लगेगी।
जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यूरोपीय संघ में क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही दवा को मंजूरी दी जाती है। यहां रोगी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, किंतु रूसी वैक्सीन की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सुरक्षा पर कोई ज्ञात डेटा भी नहीं है। इसी प्रकार अमेरिका का भी कहना है कि कोविड-19 का पहला टीका बनाने की जगह कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रभावी और सुरक्षित टीका बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त टीके की सुरक्षा और इसके प्रभाव को साबित करने के लिए पारदर्शी डेटा का होना महत्वपूर्ण भी है। कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास में अगर अन्य देशों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। इस संबंध में उन्होंने काफी प्रगति भी हासिल की है। किसने? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा संचालित एक प्रायोगिक कोरोना वायरस वैक्सीन के शुरुआती परीक्षण के दौरान सैकड़ों लोगों में सुरक्षात्मक रक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि भी देखने को हमें मिली है। ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण अभी ब्रिटेन में चल रहा है और तीसरे चरण का परीक्षण ब्राजील में तथा पहले व दूसरे चरण का परीक्षण दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने की दिशा में भारत भी दो वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। भारत भी इसमें काफी प्रगति कर रहा है, जिसमें एक वैक्सीन भारत बायोटेक की है और दूसरी वैक्सीन जायडस कैडिला की है। भारतीय औषधि महानिदेश नियंत्रक DCGI ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के देश में दूसरे व तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी भी दी हुई है। तो ये कहानी है और इसलिए भी भरोसा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उनने अपनी बेटी के ऊपर कहा जा रहा है टीका, इस वैक्सीन को सबसे पहले यूज किया है अभी। तो हो सकता है, देखते हैं आगे जो भी, अगर ऐसा है तो हम लोग तो देखिए पूरी तरह से नहीं बता सकते हम, लेकिन अगर ऐसा है तो खुशखबरी वाली बात है। और वैसे भी आप समझिए कि नवंबर दिसंबर तक आ जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया लगी हुई है इसमें, आप समझ रहे हैं। हर क्षेत्र में आप अमेरिका को ले लीजिए, फिर चाहे किसी भी देश को ले लीजिए, हर देश अपने अपने तरह से प्रयास कर रहा है। तो जब तक नहीं आती तब तक आप अपनी सेफ्टी रखिए, ठीक है।